सबसे पहले समास की परिभाषा देख लेते हैं यहां पर आया दो शब्दों का मेल समास कहलाता है तो दो शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन शब्दों का मेल समास कहलाता है जैसे यहाँ पर एक शब्द आया पुस्तक और दूसरा शब्द आया आल्य तो इन शब्दों का जो मेल होगा वो कहलाएगा समास तो बना है पुस्तकालय और जो पुस्तकालय शब्द बनने का टोटल प्रोसेस था वो कहलाया समास बात की जाए इसके विपरीत एक शब्द है चंद्रमुखी यदि इस शब्द को थोड़ा सा वाइड करके या कहें कि व्याख्या करके लिख दें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दें तो वो कहलाता है समास विग्रह तो आप सिंपली इन दोनों लाइनों को जरूर याद रखिए क्योंकि आगे जैसे वीडियो बढ़ेगी आगे आगे तो उसमें बहुत यूजफुल होने वाले हैं ये दोनों पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है समास विग्रह क्या होता है और समास को जो जोड़ना शब्द को जोड़ना वो क्या होता है समाज के भेदों की बात की जाए तो समाज के छः भेद होते हैं पहला आ जाता है अविभाव समास दूसरा आ जाता है तत्पुरुष समास तीसरा आ जाता है कर्मधार्य चौथा आ जाता है दिंगू समास पांचवा आ जाता है द्वंद और छठा आ जाता है लास्ट में बहुप्री समास तो समास के छः भेद होते हैं अब इन छः के छः भेदों को कैसे आसानी से पहचाना जा सकता है वो आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उसमें मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड जितने भी हैं जो आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं वो रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करके आप आसानी से समाज को कवर कर सकते हो पहले समास की देख लेते हैं क्या ट्रिक है पहले समास की ट्रिक देखे क्या है दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाओ तो यहाँ पे मैंने दो शब्द नहीं लिखा तो दो शब्दों के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हो और उन्हें अलग करने पर जैसे मैंने आपको शुरू में परिभाषा बताई थी कि समास विग्रह करने पर बीच में और आए तो वो शब्द होगा द्वंद्व समास योजक चिन्ह देखे यहाँ पर ये जो डैश लगा होता है ना ये आएगा बीच में तो वो कहलाएगा द्वंद समास मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको जैसे यहाँ पर आया माता पिता माता पिता के बीच में डैश लगा हुआ है योजक चिन्ह लगा हुआ है और विग्रह करने पर माता और पिता हो जाता है तो समास हुआ माता पिता डैश लग गया और विग्रह करने पर हुआ माता और पिता तो ये शब्द कहलाएगा द्वंद समास कृष्ण इसके बीच में भी डैश है और विग्रह करने पर और आ रहा है ऐसे भाई और बहन तो विग्रह करने पर भाई और बहन हो गया और बीच में है डैश तो आप देख कर ही मात्र पहचान सकते हो कि कौन सा समास है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड और दिखा देता हूं यहाँ पर वर्ड आया है जलवायु जलवायु शब्द को यदि हम विग्रह करके लिखेंगे तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है बीच में और आ जाता है तो शुरू में तो डैश नहीं लगा हुआ योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है लेकिन जो विग्रह करने पर और आया है तो इसलिए यह शब्द होगा द्वंद समास एक बात का आपने ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर वर्ड आया है धड़ाधड़ और इसका विग्रह करने पर धड़ धड़ की आवाज बीच में डैश आ गया घर घर इसके बीच में भी डैश है रातों रात इसके बीच में भी डैश है हाथों हाथ इसके बीच में भी डैश है और धीरे धीरे इसके बीच में भी डैश है लेकिन ये शब्द द्वंद समास नहीं कहलाते ये जो शब्द होते हैं द्वंद समास के शब्द नहीं होते ये किसके होते हैं आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए द्वंद समास वो होता है जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो और लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ अपोजिट वर्ड हो यानी कि विलोम शब्द हो जैसे यहाँ पर माता इसका विलोम शब्द हुआ पिता राम इसका विलोम शब्द हुआ कृष्ण भाई इसका जो अपोजिट शब्द होगा वो होगा बहन तो दोनों साइड अपोजिट वर्ड होना चाहिए एक दूसरे का विपरीत शब्द होना चाहिए तभी वो द्वंद समास कहलाएगा जिन समासों में चिरयोजक चिन्ह लगा होता है और दोनों तरफ सेम वर्ड होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं वे आपको वीडियो में आगे पता लग जाएंगे चलिए तो सेकंड समास के बारे में बात करते हैं सेकंड समास आ जाता है दिंगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो समास कहलाता है दिंगु समास अब संख्या कैसे जैसे एक दो तीन चार पांच यदि किसी शब्द का पहला पद तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम पद क्या होता है देखिए प्रथम पद यहाँ पे मैंने रेड कलर से किया है सप्त और बाद में नीले कलर से किया दीप तो जो सप्त है वो प्रथम पद है और जो दीप है नीले कलर से वो है इसका द्वितीय पद तो यदि पहला पद किसी संख्या से बने तो वो कहलाता है दिंग समास जैसे यहाँ पे तिरुभवन आया है मंजिल नवग्रह दोपहर पंचतंत्र त्रिलोक सतसई चौगुनी तो ऐसे शब्द जिनमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो शब्द कहलाते हैं लेकिन यहां पर एक कंडीशन आती है वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ जीरो से लेकर एक तक के स्वतंत्र शब्द या दस से लेकर दस बीस तीस चालीस ऐसे करके सौ तक के जो स्वतंत्र शब्द उनसे बनने वाले शब्द ही दिंगु समास कहलाते हैं अन्यथा दिंगु समास नहीं होता एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जैसे यहाँ पर बना ग्यारह ग्यारह जो बनता है दस और एक के मेल से बनता है तो यहाँ बीच में आया है और तो अब ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा द्वंद्व समाज जो हमने इससे पहले सीखा है इसलिए मैंने कर्म से इस तरह ही पढ़ा रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आए इक्कीस बीस और एक 35, तीस और पांच बासठ साठ और दो बासठ तो ये और से जुड़े हैं तो ये कहलाएंगे द्वंद समास स्वतंत्र संख्याओं से बनने वाले शब्द डिंगू समास कहलाते हैं और जो स्वतंत्र संख्या से नहीं बनते जिनमें विग्रह करने के बाद और आ जाता है तो वो शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास अब यहाँ पे एक शब्द हो रहा है दो सो यहाँ पर ये यह थोड़ा सा गलत हो गया दरअसल यहाँ पे लिखा जाना था दो और सो यहाँ पर सो और सो लिखा गया इसलिए गलत है ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो दो सो दो और सो के मेल से बना है दो सो जो स्वतंत्र शब्द है किसी संख्या से बनने वाले हैं तो वो डिंगू समास कहलाएंगे यदि स्वतंत्र शब्द नहीं है और विग्रह करने पर और आ जाता है तो फिर कहलाते हैं वे द्वंद समास आगे कर लेते हैं कर्म समास के बारे में देखिये शब्द के दूसरे पद की अभी हमने दो पद पढ़े थे ना पहला पद और दूसरा पद शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाए अब विशेषता विशेषता यदि आपको नहीं पता लग रही है कि विशेषता क्या होती है तो आप एक लाइन यहाँ पर क्वेश्चन करके देख लेना उससे किसी समास के शब्द से क्वेश्चन करना उसके बीच में कैसे लगाकर देख लेना आंसर पॉजिटिव मिलेगा तो कर्मधारी समास होगा जैसे यहां पर है काली मिर्च तो मिर्च कैसी है मिर्च है काली तो आंसर पॉजिटिव मिला तो ये शब्द होगा कर्म धार्य आगे आ जाता है नील कमल तो नीला है कमल कमल कैसा है नीला है तो आंसर मिला पॉजिटिव तो समास कौन सा होगा कर्म धार है सिंपल आप देखोगे बहुत आसान है ज्यादा हार्ड नहीं है समास बस समझने का फेर है है जो इसका कंफ्यूजन कंफ्यूजन पर अभी समास आएगा तब सबसे बड़ा स्टार्ट होगा क्योंकि हमेशा बच्चे वहीं पर गलत करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूं जैसे यहां पर आ जाता है काली मिर्च इसका समास विग्रह जो बनता है कई बार समास विग्रह पूछ लिया था काली है जो मिर्च नील कमल नीला है जो कमल पीताम्बर पीत पीत कहा गया है पीले को पीला है जो अंबर चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली तो कई बार इनके समास विग्रह भी पूछ लिए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कई बार बच्चे क्या करते हैं मिर्च काली है ये समास विग्रह नहीं होता काली है जो मिर्च इस तरह समास विग्रह होता है तो चौथे नंबर का आप देख लेते हैं क्या आता है चौथे नंबर पर आ जाता है बहुब्री समास बहुब्री समाज की बात की जाए तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ देखिए जिनमें जो पौराणिक कथाओं के जो शब्द होते हैं वो सभी बहुब्री समाज के होते हैं टोटल पौराणिक कथा कैसी होती है जैसे हमारा रामायण महाभारत या वेद पुराण जो है हमारे ऋग्वेद सामवेद इनमें जितने भी शब्द आए हुए हैं वो टोटल बहुब्री समास कहलाते हैं जैसे यहाँ पर आया है गजानंद तो गजानंद किसको कहा गया गजानंद कहा गया है गणेश जी को तो यहां पर आप हमेशा एक बात याद रखना कि पौराणिक कथाओं के, के सभी शब्द बहुबरी समास होते हैं तो गजानंद कहा गया है गणेश जी को लंबोदर भी गणेश जी को कहा गया है लंबा है उधर जिसका समास विग्रह करोगे तो ध्यान रखना इसका चक्रधर चक्रधर कहा गया है विष्णु जी को पितांबर अभी देखिए थोड़ी देर पहले कर्मधार्य में भी पितांबर आया था वहां पे हमने पीला है जो अंबर ये करा था अभी यहां पर कर रहे हैं पीला सॉरी पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण तो यहां कृष्ण को और वहां अंबर को तो ये कंफ्यूजन है सबसे बड़ा जो कोई आपको YouTube पे पूरी YouTube पे नहीं बताएगा मैं आपको ये सारा कंफ्यूजन दूर कराऊंगा अभी बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट आ जाता है नीलकंठ अब देखिए यहां पर भी कर्मधार्य वाला आ गया भाई कंठ कैसा है नीला विशेषता बताई गई है लेकिन यहाँ पर बहुगिरी में रखा गया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बहुबरी में रखे जाते हैं ये ये शिव को कहा जाता है श्वेतांबर ये सरस्वती को कहा गया है सुलोचना देखिए सुलोचना जो कहा गया है ये वेगनाथ की पत्नी थी उन्हें कहा गया है तो ये भी पौराणिक कथाओं में शब्द था इसलिए कहाँ आया है बहुबुरी समाज के अंदर आया वीणा पाणी काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है तो ये कहा गया है सरस्वती जी को मृत्युंजय मृत्युंजय जय कहा गया है शिव जी को अब देखिये मैं आपको कुछ और वर्ड दिखा देता हूं यहां पर जैसे पंचवटी अभी पंचवटी के बीच में देखिये संख्या आ गई लेकिन बहुबरी में रखा हुआ है तो जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी उसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अब मैं आपको एक लाइन मैंने यहां पर अभी लिखी है बहुबरी समास एक प्रधान समास होता है तो जो अभी मैं आप बात कर रहा था कि पंचवटी को यहां पर क्यों रखा गया है नीलकंठ को क्यों रखा गया है पीताम्बर को यहां पर क्यों रखा गया है तो मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जो बहुबरी समास है वो एक प्रधान समास है और प्रधान समाज का मतलब कि वरीयता सबसे पहले इसे ही दी जाएगी इसे हम कह सकते हैं कि ये किंग है जितने भी हमारे समाज हैं उन सबका राजा कौन कहलाता है बहुबरी समाज कहलाता है तो अभी मैं आपको थोड़े से और वर्ड दिखाता हूं उनसे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा यहां पर मैं सारे वर्ड एक साथ लिख देता हूं चलिए यहां पर देखिए जो पहला बॉक्स है इसमें समास और समास दोनों के उदाहरण है अभी हमने तिरुलोचन संख्या भी है और कहा गया शिव को तो यह तो बहुबरी में भी होगा दसानंद दस सिर वाला रावण को कहा गया है पौराणिक कथाओं से रिलेटेड है और देखिए संख्या भी है तो दोनों जगह यहां पर जैसे चतुर्भुज विष्णु को कहा गया त्रिनेत्र पंचवटी देखिये यहां पर पंचवटी आया पंचवटी वो स्थान है जहां पर राम जी जाकर रहे थे वनवास में तो पंचवटी वो स्थान है पौराणिक कथाओं में आ गया लेकिन यहाँ पर क्या है यहां पर इसके अंदर संख्या भी है तो अब हम किसको सिलेक्ट करेंगे अभी दूसरा उदाहरण और देख लीजिए कर्मधारी और बहुविरीग में जो दोनों साथ होते हैं जैसे पिताम्बर कृष्ण को भी कहा जाता है और पीले अंबर को भी कहा जाता है नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है और कंठ नीला है उसको भी कहा जाता है सरस्वती को कहा जाता है या सफेद वस्त्र कहा जाता है वस्त्रों की विशेषता बताई जाती है दुरात्मा आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा जो है वो बुरी है मक्खी चूस तो यहाँ पर ये एक विशेष अर्थ प्रकट करता है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा नीचे आ जाते हैं विशेष अर्थ वाले तो विशेष अर्थ वालों को अभी नहीं करते पहले मैं आपको ऊपर का कंफ्यूजन बता देता हूं कि इसे आप कैसे दूर कर सकते हो देखिए यहां पर यदि आपको ऑप्शन इस तरह मिलते हैं जैसे मैंने यहां पर लिखा है पहला ए डेंगू समास दूसरा आ जाता है बहुबरी जो रेड से किया है कर्मधार्य और द्वंद इस तरह यदि आपको ऑप्शन में बहुबरी समास मिलता है और ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं देंगू समास और कर्मधार्य समास और बहुबरी समास के मिक्स उदाहरण जो है और बहुबरी आपको ऑप्शन में मिलता है तो मैंने बताया था कि बहुबरी समास प्रधान समास है तो आपने केवल बहुबरी को ही सिलेक्ट करना है आपका आंसर राइट होगा क्योंकि एक प्रधान समास है ये सभी समासों का राजा होता है यदि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में बहुबरी नहीं है तो फिर आप जोन सा समास है उसको आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो जैसे यहाँ पे त्रिलोचन आ जाए बहुबरी समास नहीं है तो आप क्या लगाओगे दिंगू क्योंकि इसके अंदर संख्या है इसी तरह पितांबर आ जाता है या नीलकंठ आ जाता है और बहुबरी ऑप्शन में नहीं है तब आप कर्मधारी ही सिलेक्ट करोगे लेकिन यदि ऑप्शन में बहुबरी है तो फिर आपको बहुबरी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुबरी समाज जो होता है वो हमारा प्रधान समाज होता है अब विशेष अर्थ यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि समास के अंदर ये जो बहुबरी समास होता है इसके अंदर विशेष अर्थ भी प्रकट होता है कुछ विशेषता बताई जाती है जैसे मक्खी चूस मक्खी चूस कहा जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जो कंजूस होता है यहाँ पर सुलोचना तो चलो वही वर्ड है यहाँ पर पंकज पंकज कहा गया है कमल को इसका भी विशेष अर्थ आ जाता है जैसे निशाचार वैसे तो निशाचार पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है राक्षस को कहते हैं उसी तरह चक्रधर विष्णु को कहा गया तो विशेष अर्थवा जिनका बोध होता है वो समाज कहलाते हैं हमारे बहुबरी समाज तो उम्मीद करता हूं कि बहुबरी समाज का जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो गया होगा अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट समाज के बारे में अगला समास आ जाता है अव्यय भाव समास तो अव्य भाव समास को कैसे आप आसानी से पहचान सकते हो यह भी मैं आपको बताता हूं देखिए यहां पर क्या होता है जो प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं आपने यदि टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ठीक है यदि तो आपने प्रत्यय और उपसर्ग का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आप मां से आसानी से और बिल्कुल आसान बताऊंगा आपको जो कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी आसानी से देखते ही कौन सा प्रत्यय है कौन सा उपसर्ग है इसके अंदर क्या प्रत्यय लगा हुआ है वो भी आप आसानी से समझ जाओगे यहां पर मैं आपको बताता हूँ कि अव्यय भाव समास को आप आसानी से कैसे पहचान सकते हो तो, तो यदि शब्द में उपसर्ग लगा हो किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो और उपसर्ग भी कैसा यथा, प्र प्रति निर अन और भर इस टाइप के जितने भी उपसर्ग इसमें शब्द में लगे हों तो वो शब्द होगा अव्यय भाव समास दूसरी भाषा में मैं आपको समझाता हूं अव्यय किसे कहते हैं अव्यय भाव का समास या अव्यय शब्द किसे कहते हैं अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग जाति और समुदाय के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता किसी के साथ भी यूज करो उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो कहलाते है सब्ड वे सब्ड वे सब्ड वे हैं अव्यय शब्द और अव्यय शब्दों से बनते हैं अव्यय भाव समास समासजाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार यथाशक्ति में यथा नाम का उपसर्ग लगा हुआ है जैसा प्रतिदिन प्रतिदिन में प्रत्येक दिन इसका समास विग्रह हो जाएगा तो इसमें भी प्रति नाम का उपसर्ग लगा हुआ है प्रति वर्ष हर वर्ष तो इसमें भी क्या लगा हुआ है प्रति नाम का उपसर्ग एक शब्द आता है एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिशत तो उसमें भी प्रति लगा हुआ है उपसर्ग लगा हुआ है तो वो भी क्या होगा अविभाव समास होगा यहां पर आ जाता है आजन्मा तो इसमें आनाम का उपसर्ग लगा हुआ है अब देखिए जो वर्ड मैंने आपको शुरू में बताए थे धड़ धड़ बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन दोनों तरफा सेम वर्ड है लेफ्ट में भी धड़ है और बाद में भी धड़ है तो दोनों तरफा धड़ धड़ तो ये शब्द कहलाते हैं अव्यय क्योंकि इन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता लड़के के साथ लगाओगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा लड़की के साथ लगाओगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा या किसी निर्जीव वस्तु जैसे बारिश धड़ धड़ हो रही है तो भी लगाओगे तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हीं से बनते हैं अवय भाव समास जैसे हाथों रात, हाथ हात, तो ये शब्द कहलाते हैं जिसमें दोनों तरफ सेम शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वो शब्द कहलाते हैं अवय भाव समास और भी मैं आपको बता देता हूं देखिए ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हो पीडीएफ में वहां से आपको मिल जाएंगे और वहां से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा बात कर लेते हैं लास्ट समास की लास्ट में आ जाता है तत्पुरुष समास अब इसे कैसे पहचाना जा सकता है तो इसे पहचानने के लिए आपको देखिए क्या करना है जिसके बीच में का की के यहाँ पर विग्रह जो मैंने शुरू में दो पॉइंट बताए थे कि याद रखना एंड तक आपके काम आएंगे विग्रह करने पर का के, की को के लिए ये आए दरअसल ये है क्या ये भाई ये है कारक जो इसके समास के अंदर छह कारकों का भेद होता है और कारक तो वैसे हमारे आठ होते हैं करता और संबोधन नाम के जो कारक होते हैं उनका तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता यहाँ पर केवल छह कारकों का प्रयोग होता है करम करण संपदान अपादान संबंध और अधिकरण और इनके कारक चिन्ह इनके साइड में लिखे हुए जैसे कर्म का को या का है करण का से है संप्रदान का के लिए है अपादान का अलगाव से अलगाव जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं उस अलगाव के लिए का की के ये संबंध के लिए है और अधिकरण किसी चीज पर अधिकरण में या पर सेब मेज पर रखा है तो इस तरह का अधिकरण तो ये सब प्रत्यय का यदि यूज हुआ हो और यूज भी कहां होगा विग्रह करने पर आप ध्यान रखना कि विग्रह करने पर यदि छह कारकों का भेद होता है तो वो शब्द कहलाते हैं तत्पुरुष समास एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर दरअसल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहां पर आ जाता है मतदाता तो मत को देने वाला यहाँ बीच में को है जो इधर आ गया थोड़ा सा तो मत को देने वाला तो विग्रह करने पर बीच में को आया है और को किसका साइन है कर्म का साइन है कर्म कारक का साइन है जन्म जात जन्म से उत्पन्न इसका समास विग्रह होगा जन्म से उत्पन्न पूछा गया है इसलिए मैंने इसके अंदर डाला एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है तो जन्म से उत्पन्न विग्रह करने पर क्या बना जन्म से उत्पन्न अब आ जाता है हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी तो ये आ जाता है संप्रदान कारक प्रेम सागर यहां पर प्रेम का सागर तो ये आ जाता है संबंध दिनचार्य तो दिनचार्य में आ जाता है दिन की चार्य तो ये आ जाता है आपका संबंध नीति निपुण नीति में निपुण ये आ जाता है अधिकरण कारक और अंध सॉरी आत्मविश्वास आत्मविश्वास आ जाता है आत्मा पर विश्वास तो छह कारकों का भेद जहां पर होता है जहां पर विग्रह करने पर छह कारक यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं तत्पुरुष और सबसे पहले मैं आपको कारक की परिभाषा बता देता हूँ कारक की परिभाषा क्या होती है देखिए परिभाषा के लिए यहाँ पर वाक्य में क्रिया का संबंध जिस शब्द से होता है उसे कारक कहते हैं तो क्रिया का जिस शब्द भी संबंध होगा उसे कारक कहेंगे कारकों के भेद की बात की जाए तो कारकों के आठ भेद होते हैं या कहें कि आठ प्रकार होते हैं और इन आठों प्रकार के लिए एक एक विभक्ति चिन्ह दिया होता है और यदि वाक्य में जोन सा विभक्ति चिन्ह होता है उसी वाक्य में वही कारक होता है तो आपने सिंपल इन विभक्ति चिन्हों को तो याद करना ही करना है क्योंकि इसके बिना आपके कारक नहीं होंगे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इन्हें याद कर सकते हो अब किस कारक के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं कर्ता के लिए ने विभक्ति चिन्ह होता है तो यदि वाक्य में कहीं आपको ने दिखाई देता है तो वहां पर आपने सिलेक्ट करना है कर्ता कारक कर्म के लिए को विभक्ति चिन्ह होता है करण के लिए से या द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है संप्रदान के लिए को के लिए अब देखिए को दो बार आया है एक बार तो कर्म के लिए आया है और एक बार आया है संप्रदान के इन दोनों का फर्क है अलग अलग वो पता लगेगा हमें अर्थ से तो जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें बड़ी आसानी से पहचान सकते हो अपादान के लिए आया है से अब देखिए यहां पर भी से एक द्वारा के लिए आया है एक अलगाव के लिए आया तो ये सब आपको पता लगेगी जब हम डिटेल से कारक को पढ़ेंगे संबंध के लिए आ जाता है का की के ना नी ने रा री रे अधिकरण के लिए आ जाता है मे पर और संबोधन के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है हे इसके साथ जो नीचे एक डंडा खेच कर बिंदु लगी होती वो होता है संबोधन वाचक चिन्ह तो हे अरे अजी तो ये है इनके विभक्ति जिनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहला कारक आ जाता है कर्ता कारक और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने और कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होता और उस समय कारक को पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कारक का जो अर्थ है वो भी आपको पता होना चाहिए तो कर्ता कारक का जो अर्थ होता है वो होता है काम को करने वाला यानी जिसके द्वारा काम किया गया है तो वो कहलाता है कर्ता अब काम को कौन करने वाला होता है तो या तो कोई होगी संज्ञा या होगा कोई तो संज्ञा आप जानते हो किसी का नाम हो सकता है किसी भी चीज का नाम हो सकता है तो वो संज्ञा कहलाती है और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो, हैं तो अब जान लेते हैं कि, के ए, example, कि हम किसी वाक्य में कर्ता कारक को कैसे पहचान सकते हैं तो यहाँ पर आया राम ने पुस्तक पढ़ी तो सिंपल बात है कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आपको पता लगा कि ने है इसके बीच में तो कौन सा कारक होगा कर्ता कारक होगा जैसे मैंने मैं के साथ जुड़ा है देखे यहाँ पर ने तो मैंने उसे पढ़ाया तो यहां पर भी कौन सा कारक होगा कर्ता कारक होगा श्याम ने देखे रेड किया हुआ है मैंने तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें वाक्य में कौन सा कारक होगा तो यहाँ पर ने का साइन आया हुआ है तो यहाँ पर होगा कर्ता कारक अब जो मैंने बात आपको बताई थी कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में साइन नहीं दिया होता जो विभक्ति चिन्ह होता है वो नहीं दिया होता तो उस समय हम कैसे पहचान सकते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अर्थ का पता होना चाहिए तो अर्थ को भी उतना ही फोकस करना जरूरी है जितना कि विभक्ति चिन्ह को याद करना जरूरी है तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है आप देखिए हम ये तीन वाक्य हैं लड़की स्कूल जाती है तो यहाँ पर अब अर्थ से हम इस वाक्य को पहचानेंगे अर्थ से कैसे पहचानेंगे क्योंकि हमने कहा कि काम को करने वाला अब देखिए जाना जो है काम क्या होता है काम कोई क्रिया होती है तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है तो क्रिया की जा रही है लड़की के द्वारा अब देखिए स्कूल तो वहीं पर है वो तो कहीं पर नहीं गया जाने का काम स्कूल के साथ नहीं हुआ है गाने का काम हुआ है वो हुआ है लड़की के साथ तो यहाँ पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा कर्ता कारक होगा अब देखिए यहाँ पर आ जाता है वह हंसा तो हंसने की जो क्रिया हुई है वो वह के साथ हुई है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि या तो कोई सर्वनाम हो सकता है करने वाला या कोई संज्ञा हो सकती है तो जो वह है वो सर्वनाम है तो ऐसे हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सा कारक होगा तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना जरूरी आपको विभक्ति चिन्ह याद करने जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आपको उस कारक का अर्थ भी पता होना चाहिए अगला देखिए यहां पर एक उदाहरण हो रहा है राम को जाना चाहिए आप देखिए यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया ने विभक्ति चिन्ह नहीं आया यहाँ पर को आया है जो आपको अभी पता लगेगा कि को विभक्ति चिन्ह किसका होता है तो यहां पर देखिए जहां पर संभावनाएं जताई जाती है वहां पर भी क्या होता है ने का प्रयोग नहीं होता जो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं होता और वहां पर हमें अर्थ से वाक्य को पहचानना होता है देखिए अब यहाँ पर अर्थ क्या है क्रिया हो रही होगी क्रिया किसके साथ होगी कर्ता के साथ अब देखिए यहाँ पर जाने की क्रिया हुई है राम को जाना चाहिए तो जाना किसके साथ जुड़ा हुआ है राम के तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा कर्ता कारक होगा तो वैसे तो ये कर्ता कारक और रिच के बाद जो कर्म कारक आएगा वही थोड़े से हार्ड है उसके बाद ज्यादा कारक हार्ड नहीं है बिल्कुल सिंपल है बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो ज्यादा उनमें कोई उलझाने वाली कोई भी बात नहीं है तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कारक की नेक्स्ट कारक आ जाता है कर्म कारक अब इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को और इसका जो अर्थ होता है जो मैंने अभी बताया आपको कि आपको अर्थ भी याद करना उतना ही जरूरी है तो इसका जो अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े अब जो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो ही क्या होगा कर्म कारक होगा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है राम ने रावण को मारा अब क्रिया जो हुई है यहाँ पर जो काम हुआ है वो हुआ है मारने का और मारने का काम किसको हुआ है रावण को मारने का काम हुआ है तो यहां पर कौन सा कारक होगा कर्म कारक होगा अब कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि राम को राम को मारने का काम नहीं हुआ हुआ किसको है रावण को मारने का काम तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वही उसके अंदर कारक होगा तो यहां पर कर्म कारक कहलाएगा रावण राम को बुलाओ अब यहां पर देखिए बुलाने की जो क्रिया हुई है बुलाने का जो काम हुआ है वो हुआ है राम को तो यहां पर कौन सा कारक होगा कर्म कारक होगा उसने पत्र लिखा अब देखिए यहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं आया जो मैं आपको पहले इससे पहले जो मैंने कारक समझाया उसमें बताया था कि यदि विभक्ति चिन्ह कहीं पर नहीं है तो उसमें हमें क्या अर्थ लगाना होता है उस कारक का तो यहां पर अब लिखने का काम हो रहा है और वो किसके साथ हो रहा है वो हो रहा है पत्र के साथ क्योंकि पत्र को लिखा जा रहा है उसको नहीं लिखा जा रहा पत्र को लिखा जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि पत्र जो होगा ये कर्म कारक होगा सीता फल खाती है अब यहां पर देखिए खाने की जो क्रिया हुई है सीता को खाने की क्रिया नहीं हो रही है हो रही है जो क्रिया वो हो रही है फल को खाने की क्रिया हो रही है तो इसमें कौन सा कारक होगा कर्म कारक होगा तो मैं फिर आपको दोबारे से बता देता हूं कि जितना जरूरी आपको विभक्ति चिन्ह को याद करना जरूरी है उतना ही आपको अर्थ भी पता होना चाहिए तभी आपके कारक बिल्कुल सही होंगे और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे ध्यान से देखोगे एंड तक देखोगे तो भविष्य में आपका कोई भी कारक से रिलेटेड शब्द गलत नहीं होगा नेक्स्ट आ जाता है करण कारक और करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से या द्वारा और इसका जो अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि, कि किसी साधन का यूज करता है तो जिस साधन का यूज करता है उसे कहते हैं करण कारक यहां पर मैं आपको बताता हूं देखिए राम ने रावण को बाण से मारा तो अब हमने यहां पर देखना है कि जो राम ने जिस साधन का इस्तेमाल किया है वो किस साधन का इस्तेमाल किया है तो जिस साधन का इस्तेमाल राम के द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं करण कारक तो यहां पर बाण का इस्तेमाल किया गया है राम के द्वारा तो उसे कहेंगे करण कारक तो यहां पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है से का मतलब ये होता है जिसके द्वारा कार्य किया गया है जिसका जो साधन उसने यूज किया है क्रिया करने के लिए तो उसे कहेंगे करण कारक अब यहाँ पर आ जाता है बालक गेंद से खेल रहे हैं तो जो खेलने का काम हुआ है वो हुआ है किस किस साधन से हुआ है वो हुआ है गेंद से तो यहाँ पर गेंद में क्या होगा करण कारक होगा अब देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि किसी वाक्य में जोन सा भी विभक्ति चिन्ह होगा वो वाक्य उसी कारक का कहलाएगा लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिए आप यहां पर राम ने रावण को बाण से मारा अब यहां पर देखिए विभक्ति चिन्ह एक से अधिक है राम ने तो यहां पर ने कर्ता के लिए आ गया रावण को कर्म के लिए आ गया को विभक्ति चिन्ह बाण से से आ गया करण के लिए तो ऐसे वाक्य किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट कारक आ जाता है संप्रदान कारक और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को के लिए और इसका जो अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए अब देखिए क्रिया कैसे की जाएगी वो देख लेते हैं मेरे लिए दूध लेकर आओ तो सिंपल है मैंने आपको बताया था कि शुरू के दो कारक जो हैं वो काफी हार्ड हैं बाकी इतने हार्ड नहीं है अब यहां पर देखना है कि विभक्ति चिन्ह इसके अंदर या तो को होगा या के लिए होगा के लिए नहीं होगा लिए भी हो सकता है जैसे यहां पर आया है मेरे लिए दूध लेकर आओ तो लिए विभक्ति चिन्ह आया है तो कारक होगा संप्रदान उसके बाद माँ बेटे के लिए सेब लाई तो यहाँ पर क्या होगा संप्रदान कारक होगा क्योंकि विभक्ति चिन्ह क्या आया है के लिए आया है अब कई बार ऐसा होता है कि के लिए नहीं आता को आ जाता है तो जैसे यहाँ पर आया है सोहन रमेश को पुस्तक देता है तो अभी हमने पढ़ा था कि को कर्म के लिए भी आया था लेकिन वहां पर जो आया था वो अलग भाव से आया था और यहाँ पर जो भाव होगा वो दान का जैसे संप्रदान किसी को कुछ देने का भाव तो यहाँ पर जो होगा वो कुछ देने के भाव से हो, को को हो यूज किया जाएगा तो इसके अंदर होगा संप्रदान कारक अब जैसे यहाँ पर एक आ जाता है गुरु जी को फल दो अब देखिए यहां पर भी को जो आया वो देने के लिए आया फल दो तो ऐसा आ जाता है संप्रदान कारक आगे आ जाता है भूखे के लिए रोटी लाओ तो आप सिंपल पहचान सकते हो कि यहां पर विभक्ति चिन्ह के लिए आया है तो कारक होगा संप्रदान अमन ने श्याम को गाड़ी दी तो यहां पर भी को आया है अब क्या हो जाएगा इसके अंदर देना आया है ना गाड़ी दी है तो यहाँ पर संप्रदान कारक आ जाएगा नेक्स्ट कारक आ जाता है अपादान कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से अलगाव के लिए तो यहां अभी हमने पढ़ा से साधन के लिए पढ़ा था लेकिन यहाँ पर जो से है वो अलगाव के लिए है किसी चीज से अलग होने के लिए इसका अर्थ देख लेते हैं अर्थ है जिससे अलगाव हो यानी जिस चीज से अलगाव होगा उसके लिए से का प्रयोग किया जाएगा किससे दूर जाना किससे अलग होना तो उसमें अपादान कारक होता है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा तो अब देखिए बच्चा कहाँ से गिरा है छत से छत से उसका अलगाव हुआ है छत से वह दूर हुआ है तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं अब जो पत्ते जो थे पेड़ पर लगे हुए थे उससे अलग हुए हैं झड़ने के बाद अलग हो गए हैं तो इसमें अपादान कारक होगा राम दिल्ली से मुंबई गया तो दिल्ली से मुंबई गया दिल्ली से अलग हुआ है वो तो क्या होगा इसमें अपादान कारक होगा तो यहां पर हमने सिंपल याद रखना है कि जहां पर अलगाव होगा दो चीजें अलग अलग जाएंगी तो वहां पर अपादान कारक होगा नेक्स्ट कारक आ जाता है संबंध कारक और ये बहुत आसान है इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा यहां पर इसका जो व्यक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं का की के ना नी ने, रा री रे यानी जहां पर किसी का संबंध बताया जाएगा दो चीजों का संबंध होगा वहां पर संबंध कारक होगा तो यहां पर अर्थ की बात की जाए तो अन्य पदों से संबंध बताया जाएगा संबंध कारक के अंदर यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल राम का लड़का तो संबंध बताया गया लड़का किसका है राम का है श्याम की लड़की तो लड़की का संबंध श्याम से है गीता के बच्चे तो यहां पर भी संबंध बताया गया है मेरा लड़का तो संबंध बताया गया मेरा लड़का है मेरी लड़की हमारे बच्चे अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं यह है पुस्तक राम की है तो यहां पर जो पुस्तक का संबंध है वो किस से है वो राम से है तो यहां पर कौन सा कारक होगा संबंध कारक होगा आगे आ जाता है अधिकरण कारक जो अधिकरण कारक है इसका विभक्ति चिन्ह होता है मे पर जो मे होगा या पर होगा और अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार जो अधिकरण कारक है इसका आप अर्थ ना भी याद करें तो वैसे भी आप आराम से समझ सकते हो क्योंकि वाक्य में आपको इसका विभक्ति चिन्ह जरूर मिलेगा आपको वाक्य में ये तीन शब्द मिलेंगे इनका भाव वहां पर कहीं ना कहीं वाक्य में होगा किस में किस पर या किस पे तो ऐसा भाव आपको वाक्य में जरूर दिखाई देगा वहां से आप पहचान कर सकते हो कि इस वाक्य में अधिकरण कारक है जैसे यहाँ पर आ जाता है हरी घर में है तो हरी कहाँ पर है घर में है तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में आया जो मैंने रेड कलर से किया है तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा कारक होगा अधिकरण कारक होगा पुस्तक मेज पर है तो यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह पर आया है तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा अब देखिए कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं जहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं होता और वो साइलेंट रहता है विभक्ति चिन्ह तो वहां पर आपने खुद इस चीज को देखना है थोड़ा सा ध्यान लगा लेना है कि इसमें क्या हो सकता है जैसे कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो आप देखिए वाक्य को यदि हम थोड़ा सा शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कुर्सी आंगन के बीच में बिछा दो तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ जाएगा मे अब वह सुबह गंगा किनारे जाता है तो यहां पर क्या होगा यहाँ पर भी पर साइलेंट है वह सुबह गंगा किनारे पर जाता है तो यहाँ पर कुछ चीजें जो साइलेंट होती हैं, तो आपने उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से सिलेक्ट कर सको कि इसके अंदर अधिकरण कारक है अगला कारक जो आ जाता है अगला कारक आ जाता है संबोधन कारक जो सबसे सिंपल कारक है आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको इसकी कोई परिभाषा भी याद नहीं करनी पड़ेगी बस इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो आप याद रखिए वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो इसका विभक्ति चिन्ह है जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया था शुरू में जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें आपको बताए थे कि हे उसके साथ जो एक डंडा लगा होता है उसके नीचे जो एक बिंदु लगी होती है उसे कहते हैं संबोधन वाचक चिन्ह तो आपको वाक्य में ये संबोधन वाचक चिन्ह मिलेगा इससे आप बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हो तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं अरे भैया तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है क्यों रो रहे हो हे गोपाल यहाँ आओ तो यदि अर्थ की बात की जाए तो अर्थ आ जाएगा किसी को पुकारना या किसी को बुलाना तो ये सबसे सिंपल कारक है इन सभी आठ कारकों में संबोधन कारक आगे देख लेते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि, कि किसी वाक्य में कौन सा कारक है अब यहां पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि एक वाक्य में जो विभक्ति चिन्ह है एक से अधिक होंगे तो आप कैसे पहचानोगे वो वाक्य किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर तो मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि वे वाक्य कैसे पूछे जाते हैं अब यहां पर है राम ने रावण को बांध से मारा अब देखिए यहां पर जो होगी तीन विभक्ति चिन्ह एक ने है एक को है एक से है तो ऐसे वाक्य एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे यहाँ पर आपको सिंपल एक वर्ड पूछा जाएगा कि किस वर्ड के अंदर कौन सा कारक है जैसे यहां पर जो ने जुड़ा हुआ है वो राम के साथ जुड़ा हुआ है रावण के साथ नहीं जुड़ा हुआ राम ने तो राम ने जो विभक्ति चिन्ह है वो राम के साथ जुड़ा हुआ है तो राम के अंदर ही क्या होगा कर्ता कारक होगा क्योंकि ने विभक्ति चिन्ह कर्ता का होता है रावण को जो को है ये विभक्ति चिन्ह कर्म का और ये जुड़ा हुआ है रावण के साथ तो रावण को तो को रावण के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा बाण से मारा तो अब देखिए जो से जुड़ा हुआ है वो बाण से जुड़ा हुआ है और से होता है हमारा साधन जिस साधन से रावण को मारा गया है तो से हो जाएगा करण कारक तो अब ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी कारक को अब देखिए नीचे आ जाता है कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है तो यहां पर बच्चा छत से गिरा अब किससे अलग हुआ है वो छत से अलग हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान कारक आगे देखे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी देखिए यहाँ पर आ जाता है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन बालक गेंद से खेल रहे हैं तो वाक्य में अंडरलाइन किए गए शब्द में कौन सा कारक है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अब आपको वो कारक पहचानना है जिसमें जो अंडरलाइन किए हुए शब्द के अंदर है तो अब इसमें कौन सा कारक होगा तो इसके अंदर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद खेलने का साधन है और साधन किसका है करण कारक का तो आंसर हो जाएगा इसका सी यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं आपको यहां पर आ जाता है राम दिल्ली से मुंबई गया तो यहां पर इस तरह पूछा जाता है कि किस शब्द में अपादान कारक है तो ये राम में है दिल्ली में मुंबई में या गया है में तो यहां देखे जिससे वह अलग हुआ है अलगाव हुआ है उसी में वह कारक होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया तो वो दिल्ली से अलग हुआ है तो अपादान कारक किस में होगा दिल्ली में तो आंसर हो जाएगा इसका बी और एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूं यहां आओ वाक्य में कौन सा कारक है तो यहां आओ मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान कारक यही है जिसे कहते हैं संबोधन कारक माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा आपको वाक्य दिया है उस वाक्य में पूछा गया है आपसे कि कौन सा कारक है? तो यहाँ पर माँ बच्चे को तो यहाँ पर को साइन आया है को विभक्ति चिन्ह आया है तो को किसका है को है कर्म का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे को दूध पिला रही है तो कर्म कारक आ जाएगा कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है सिंपल आपसे विभक्ति चिन्ह ही पूछ लिया जाता है कि विभक्ति चिन्ह किस कारक का है तो यहाँ पर जैसे के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है तो के लिए किसका है के लिए आपको बताना होगा के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप कैसे किसी भी कारक को पहचान कर सकते हो और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे सब पहले जान लेते हैं तत्सम तद्भव शब्द कौन से होते हैं तो तत्सम की बात की जाए तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जो के क्यों बोले जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं तो यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताता हूँ जो संस्कृत हमारी पहली लैंग्वेज थी उसके शब्दों को यदि हम आज भी ऐसे ही बोलते हैं तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ अग्नि भिक्षुक ग्रहणी और ग्रह ये शब्द संस्कृत के हैं और संस्कृत के शब्दों को आज जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें ऐसे ही यूज करते हैं तो जैसे आग 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 बोलते हैं आग को यदि हम आग ना बोलकर अग्नि बोल देंगे तो वो हो जाएगा संस्कृत का शब्द तो वो कहलाता है तत्सम बात की जाए तद्भव शब्दों की तो तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न शब्द अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बदलाव करके हमारी लैंग्वेज में बोले जाते हैं जो हमारी भाषा है जैसे अभी मैंने आपको बताया संस्कृत के शब्दों को ऐसे के ऐसे ही हम आज यूज करेंगे तो वो कहलाएगा तत्सम और यदि उसमें कुछ फेर बदल करेंगे उसमें कुछ तोड़ मोड़ के उसे पेश करेंगे तो वो कहलाएगा तद्भव शब्द एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको जैसे आ जाता है मुख मुख से बन जाता है मुंह तो मुख जो है वो संस्कृत का शब्द है मुंह आज हमारी लैंग्वेज में उसमें अपभ्रंश कर दिया गया थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया तो ये कहलाएगा तद्भव शब्द जैसे ग्राम ग्राम संस्कृत का शब्द है और आज हम बोल देते हैं गांव दुग्ध पहले दुग्ध बोला जाता था संस्कृत की भाषा में आज बोल देते हैं दूध भ्रात भ्रात से बोल देते हैं भाई तो यहां पर आपने इस चीज को याद रखना है कि जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द कहलाते हैं और तद्भव जो शब्द कहलाते हैं संस्कृत के शब्दों में जो बदलाव करके हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वो कहलाते हैं तद्भव शब्द आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें पहचाना कैसे जा सकता है बिल्कुल सिंपल और आसान तरह से तत्सम यदि शब्द आधे अक्षर से बना हो तो तत्सम कहलाएगा तो यहां पर सिंपल सी बात है यदि किसी शब्द के अंदर आधा अक्षर आता है तो उम्मीद करना कि वो 90 परसेंट जो शब्द होगा वो तत्सम शब्द होगा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे यहां पर एक साइड मैंने लिखे हैं तत्सम शब्द और दूसरी साइड लिखे हैं तद्भव शब्द तो जैसे यहां पर आ जाता है पक पक आधा क्या आया है इसके अंदर इससे बन जाता है पका जो तद्भव रूप होगा वो पका होगा पट्टी का पट्टी का से बन जाता है पाटी प्रिय प्रिय से बन जाता है पुछ, पुछ से बन जाता है पूछ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्द में आधा अक्षर जरूर है जैसे यहाँ पर पर्पट लगा लगा हुआ है तो परपट में जो पै के ऊपर जो रे लगा हुआ है ये भी आधे अक्षर में गिना जाता है तो ये परपट भी तत्सम शब्द कहलाएगा और जो इससे बन जाता है वो बन जाता है पापड़ तो ये कहलाएगा तद्भव शब्द और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर मृत्यु आ जाता है इसमें जो नीचे रह लगा हुआ है रे की जो ऋषि की मात्रा लगी हुई है वो तो ये भी क्या कहलाएगा तत्सम शब्द कहलाया जाएगा मृत्यु से बन जाता है मौत भरात से भाई बन जाता है मीठ से मीठा बन जाता है तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर डाले हैं जो आपको पी में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आगे देख लेते हैं कि और किस तरीके से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है अब जान लेते हैं तद्भव शब्दों की पहचान बिल्कुल आसानी से कैसे की जा सकती है तो सदैव तद्भव शब्द कौन से होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ जिस शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है वो शब्द सदैव तद्भव होते हैं और आप इन्हें बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो चार ऑप्शन यदि आपको मिलते हैं और उसमें कोई सा ऑप्शन ऐसा होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होगी जैसे ऊँट कुआ कुवा, कांटा कुआरी गांव या इनमें से कोई भी शब्द होगा तो वो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो वो शब्द क्या होगा सदैव तद्भव होगा हो और भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ जैसे मुँह हो जाता है बाँ हो जाती है सांप सांवला हंसी आंख आंसू जांग तो ये सारे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द आगे पहचान कर लेते हैं सदैव तत्सम शब्द कौन से होते हैं तो अभी हमने जाने तद्भव कौन से होते हैं अब देख लेते हैं सदैव जिन्हें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एकदम पहचानोगे और आप सिलेक्ट कर लोगे अपना आंसर तो जिन शब्दों के ऊपर विसर्ग लगा होता है वो सदैव तत्सम होते हैं यहां पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ ये चारों एग्जाम्पल एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं जैसे प्रातःकाल तो प्रातःकाल का जो तद्भव हो जाएगा वो सुबह हो जाएगा पेय पियापान दूध पीना और एग्जामों में काफी ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है तो विसर्ग लगने वाले शब्द हमेशा सदैव तत्सम होते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं तत्सम शब्दों की तत्सम शब्दों की पहचान यदि शय वर्ण आ रहा कक्षा कक्षाशय वाला शय वर्ण का प्रयोग किसी शब्द में हुआ होगा तो वो शब्द कहलाएगा तत्सम जैसे यहाँ पर है पक्षी पक्षी का बन जाता है पंछी तो यहाँ एक चीज का और आपने ध्यान रखना है जो ये शय है कक्षा कक्षाशय वाला ये क्षय में परिवर्तित हो रहा है तो इसका भी आपने ध्यान रखना है तो जिन शब्दों के बीच में कक्षा कक्षाशय वाला शय आएगा वो तत्सम होंगे एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर जैसे कुक्षी कक्षी का हो जाता है कोक भिक्षुक का भिकारी हो जाता है अक्षी का आंख हो जाता है अक्ष का पक्ष हो जाता है पंख हो जाता है सॉरी तो यहाँ पर शीर का खीर हो जाता है तो ऐसे जिन्हें मैंने रे किया है तो ये सारे शब्द तत्सम हैं और जो इसके बगल में शब्द हैं वो कहलाएंगे तद्भव शब्द यदि श्रवण वाले शय का प्रयोग हुआ होगा इस वर्ण का यदि प्रयोग किसी शब्द में होता है तो वो भी तत्सम शब्द होता है एग्जाम्पल यहाँ पर ले धन्ना सिट्टी तो धन्ना सेट्टी का हो जाता है धन्ना से सेट्टी बस सिर्फ यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा ये जो शय है श्रवण वाला ये छोटे शय में परिवर्तित हो जाएगा तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम्पल आपको नीचे पी में मिल जाएंगे ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं आप डाउनलोड करके उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो तो यहाँ पर जैसे श्राप है श्राप का शाप हो जाता है शेट्टी का शेट हो जाता है आश्रय का आसरा हो जाता है तो ऐसे ही शब्द आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर बड़ा शय जो होता है शलजम वाला शय इस वर्ण का यदि प्रयोग कहीं शब्द के अंदर होता है तो ये भी तत्सम शब्द की पहचान ही होती है जैसे दीप शलाका दीपशलाका हो जाता है दिया शलाई तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे शलाका शलाका का शलाई हो जाता है श्यामल का श्यामला हो जाता है शून्य का शून्य हो जाता है सप्तती का सत्सई हो जाता है शिर का सिर हो जाता है तो यहाँ पर भी आपने एक चीज ध्यान रखनी है ये जो शय है छोटे शय में कन्वर्ट हो रहा है आगे देख लेते हैं चौथे नंबर पर आ जाता है ये जो शय षटकोण वाला होता है ना वर्ण इसका यदि प्रयोग हुआ होगा तो ये भी तत्सम शब्द में प्रयोग होता है जैसे कृषक तो यहाँ पर तो दोनों रूल फॉलो फॉलो हो रहे हैं जैसा अभी हमने बताया आपको नीचे जो ऋषि की मात्रा लगी होगी तो ये भी क्या होगा तत्सम शब्द होगा यहाँ पर शय वर्ण का प्रयोग है कृषक का किसान हो जाता है एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो यशोदा यशोदा हो जाता है मुश्सल का मुश्शल हो जाता है तो यहाँ छोटे शय में कन्वर्ट हो जाता है ये सटकोन वाला शेयर आगे बात कर लेते हैं पांचवें नंबर पर पांचवें पर ऋषि की मात्रा जो अभी हम बात कर रहे थे उस मात्रा का यदि प्रयोग होता है तो ये भी कहलाएगा तत्सम शब्द जैसे कृत ग्रह तो क्रह के अंदर रे लगा हुआ है गह के अंदर रे लगा हुआ है तो इसका बन जाता है कचहरी तो यदि इस मात्रा का प्रयोग कहीं पर हुआ हो तो ये भी तत्सम शब्दों की पहचान है एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, में मिल जाएंगे रै की मात्रा का प्रयोग हुआ।, हुआ, हुआ है तो इसका भी प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में आप देखना नीचे रे की मात्रा लगी हुई है तो तत्सम शब्द सिलेक्ट करके अपना आंसर दे देना तो यहाँ पर निंद्रा का हो जाता है नींद और एग्जाम्पल और मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर पहर का पहर हो जाता है तो ग्राम का गांव हो जाता है ग्रीष्म का गर्मी हो जाता है ग्राहक का गाहक हो जाता है ग्रंथि का गांठ हो जाता है तो ऐसे वर्ड आप पी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट में आ जाता है वह का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर ये नब्बे परसेंट का हो जाता है कि यदि व्य वर्ण आ रहा होगा बीच में तो हो सकता है कि वो शब्द तत्सम हो जैसे यहाँ पर आ जाता है वर्षा का वर्षा का होता है बरसात तो यहाँ पर भी आपने एक चीज याद ध्यान रखनी है जो वै वर्ण होता है वै का जो यदि हम तद्भव रूप बनाएंगे तो उसमें वै का हो जाता है जैसे वर यात्रा का बरात हो जाता है विवाह का ब्याह हो जाता है और वट का बट हो जाता है विद्युत का बिजली हो जाता है वक का बगुला हो जाता है तो आपने ध्यान रखना है यदि वै आ रहा है और हमने तद्भव रूप बनाना है तो वै का व्यय कर देंगे तो यहाँ पर आपने सिंपल समझे हैं कि इन स्टिक को लगाकर आप आसानी से किसी भी तत्सम तद्भव शब्द को मात्र दो सेकंड में सेलेक्ट कर सकते हो आपने एक दो बार और प्रैक्टिस करनी है